हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बना के दिखाती हूँ। इस पैटर्न को आप पुलोवर में बना सकते हैं, लेडीज स्वेटर कार्डिगन में भी बना सकते हैं, बच्चों के स्वेटर में भी बना सकते हैं। तो देखिए, जो पैटर्न हमारा है वो उल्टी सिलाई से शुरू होगा। तो पहली सिलाई उल्टी तरफ से ही होगी, लेकिन फंदों को हम ये सीधी सिलाई में एडजस्ट कर लेंगे। तो देखिए हम किस तरह से मैं फंदों को एडजस्ट कर, देखिए सीधी सिलाई में ये दो फंदों को हमने उल्टा बुना, और देखिए यहाँ पे ये चार फंदे हमने सीधे बना लिए। और उसके बाद में हमने यहाँ पे पांच फंदे उल्टे बनाए, तीन चार पांच, चार फंदे सीधे, चार, और उसके बाद में फिर से पांच फंदे उल्टे बनाए। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे चार फंदे सीधे किए, चार फंदे सीधे बनाए, और साइड में हमने दो फंदे उल्टे बना लिए। देखिए फ्रेंड्स, उल्टी सिलाई जो हमारा अब यहाँ से पैटर्न बनना शुरू होता है, तो देखिए ये जो उल्टे फंदे हैं साइड में, देखिए ये यहाँ पे हमने ये दो फंदे ये सीधे बनाए, और देखिए ये चार फंदे उल्टे बनाए। ये हमारी पैटर्न की पहली सिलाई। उसके बाद देखिए फिर हमने यहाँ पे एक दो तीन और चार फंदे यहाँ पे हमें सीधे बनाने हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पांच फंदे सीधे होने चाहिए, तो हमने यहाँ पे ये चार फंदे बनाए। अब देखिए ऊन को अपनी साइड किया, और ये वाला फंदा है इसको भी हम सीधा बना लेंगे, और ये चार फंदे तो सीधे थे ही। देखिए अब हमारे यहाँ पे ये पांच फंदे, छह फंदे उल्टे हो गए, चार पहले वाले थे जो सीधी सिलाई में सीधे थे, और एक एक हमने यहाँ पे और उल्टा फंदा कर लिया। अब देखिए अब हमारे यहाँ पे चार फंदे रह गए उल्टे, इनको बना लेते हैं। ये हमारे पैटर्न की ये पहली सिलाई, छह सिलाई का पैटर्न है। अब देखिए हमारी जो पैटर्न की दूसरी सिलाई, इसको इस तरह से बनाएंगे। देखिए दो साइड के फंदे हैं, इनको तो उल्टा बनाना है। अब देखिए उनको पीछे किया, अब ये वाला फंदा हमें इस साइड में ले जाना है। तो पहले देखिए इस तरह से हम इस फंदे को करेंगे, और इसको पीछे की साइड लेके और बना लेंगे। उसके बाद में ये वाला फंदा बनाएंगे। देखिए हमारा ये वाला फंदा इस साइड को घूम गया है, अब ये वाले फंदे को इस साइड में ले जाना है। तो देखिए पहले हम पीछे वाला फंदा इस तरह से लेंगे, और उसके बाद में इस फंदे को बनाएंगे। तो देखिए अब हमारे यहाँ पे चार फंदे हैं, तो एक दो तीन, तीन फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बना लिए। देखिए अब ये वाला जो फंदा है इसको हमें इस साइड में लेके जाना है, इस तरह से ऊन को पीछे किया। अब इस फंदे को पहले बनाएंगे, ये सीधा फंदा हो गया, ऊन को आगे किया, और ये हमने उल्टा फंदा बना लिया। देखिए अब हमारे जो चार फंदे हैं, तो देखिए इनको चारों को निकाला, और दो फंदों को पीछे की साइड ले गए, और इनको हमने इस तरह से आगे को कर लिया। देखिए दोनों फंदों को घुमा दिया, देखिए ये वाला सीधा फंदा है इसको हमें इस साइड लेके जाना है। इस तरह से हमने इसको इधर किया था, और इस वाले फंदे को इस साइड में लेके जाना। तो ये देखिए ये वाला जो फंदा है, तो इसको हम इस तरह से पीछे से लेके आगे की साइड में इसको उल्टा बना लेंगे। देखिए पीछे वाले फंदे को, इस फंदे को हमने पहले बना लिया उल्टा, और इस फंदे को हमने सीधा बनाया। देखिए इस तरह से, अब हमारे यहाँ पे ये तीन फंदे उल्टे रह गए हैं, तीन। अब देखिए इसी तरह से हमको इस फंदे को इस साइड में लेके जाना है, और इसके बाद में हमें इसको बनाना है, और इस वाले फंदे को इस तरह से पहले बुनना है,
देखिए साइड के दोनों फंदे इनको उल्टा बना लेंगे। तो हमारी ये जो पैटर्न की दूसरी सिलाई है कंप्लीट हो गई है। और उल्टी सिलाई पे जो हमारे ये सीधे फंदे हैं उनको हमें सीधा ही बुनना है, और उल्टे जो फंदे हैं उनको सभी फंदों को हमें उल्टा ही बनाना। देखिए इस तरह से सारे फंदे उल्टे फंदे पे उल्टे और सीधे फंदे पे सीधे। इस तरह से हम तीसरी सिलाई अपने पैटर्न की कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स अब देखिए हम चौथी सिलाई पे आते हैं। देखिए साइड के दोनों फंदों को उल्टा बनाया, उनको पीछे किया। अब देखिए ये वाला फंदा है तो इसको हमें इस तरह से पीछे की साइड ले जाके पहले बुनना है, और दूसरा वाला इस तरह से। देखिए हमारे यहाँ पे ये फंदा घूम गया है। अब देखिए ये वाला जो है इस फंदे को हम पीछे की साइड से पहले बनाएंगे और उसके बाद में हम इस फंदे को बनाएंगे। देखिए अब देखिए हमारे यहाँ पे तीन फंदे उल्टे थे, एक दो। तो देखिए दो फंदों को हमने बुना और उनको पीछे कर दिया। अब देखिए ये वाला जो फंदा है इसको हमने इस तरह से बना लिया। और अब देखिए यहाँ पे ये उल्टा फंदा और ये वाला फंदा है इसको भी हमें उल्टा बनाना है। तो देखिए अब हमारे यहाँ पे ये दो फंदे उल्टे हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पे आते हैं तो इन चारों फंदों को निकालेंगे। देखिए इन फंदों को हम आगे की साइड लेके आएंगे। और इस तरह से चारों फंदों को सीधा बुनना है। अब देखिए ये वाला फंदा है इसको भी हम पहले बनाएंगे। और देखिए इस फंदे को हमने सीधा बना लिया। अब हमारे यहाँ पे दो फंदे उल्टे रह गए, उनको पीछे किया, इनको भी हम इसी तरह से बना लेंगे। फ्रेंड्स देखिए हमारी ये चौथी सिलाई भी कंप्लीट हो गई। अब हम पांचवी सिलाई पे आते हैं। तो पांचवी सिलाई ये देखिए जो सीधे फंदे उनको सीधा ही बुनना है, उल्टे फंदों पे उल्टे फंदे। फ्रेंड्स देखिए हमारी यहाँ पे ये पांच सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं, और छठी सिलाई हमारे पैटर्न की लास्ट सिलाई है। तो वहाँ पे हम आते हैं। तो देखिए इसको किस तरह से बनाना है, ये साइड वाले दोनों फंदों को हमने उल्टा बना लिया और इन वाले फंदों को हमें इसी तरह से बनाना है। ये देखिए इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है, सीधी सिलाई में ही डिज़ाइन पड़ेगा और उल्टी सिलाई में डिज़ाइन नहीं पड़ेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, पहली सिलाई में ही केवल एक फंदे को ही चेंज करना है और सारी सिलाइयाँ उल्टी पे उल्टी ही बनेगी। देखिए यहाँ पे ये दो फंदे हमने ये उल्टे बना लिए। देखिए ऊन को पीछे किया। अब देखिए हमारी जो हमने ये फंदे इसको हमने तिरछा किया है, तो इसको हम फंदों धागे जो हैं फंदे गिनेंगे, एक दो तीन चार पाँच, हमारे यहाँ पे ये पांच फंदे होते जाके यहाँ तक। तो इनको हम इस तरह से सबसे नीचे वाले फंदे में डालेंगे, इस तरह से एक फंदा बनाएंगे। देखिए उसके बाद में दूसरे में डालेंगे सिलाई को, और यहाँ से भी एक फंदा बनाएंगे हम। तीसरे में डालेंगे, इसके बाद में चौथे में डालेंगे, और इसके बाद में ये लास्ट पांचवा है इसमें यहाँ पे डालेंगे सिलाई को। और हमने यहाँ पे ये पांच फंदे बना लिए। देखिए और ये वाला फंदा बिना बुने ही इसको स्लिप कर लिया। अब देखिए हम यहाँ पे ये शुरुआत वाला सबसे पहला फंदा है इसको इन पर से उतार देंगे, दूसरे वाले फंदे को भी उतार देंगे और तीसरे वाले फंदे को भी उतार देंगे, चौथे को भी हमने उतार दिया, और देखिए लास्ट वाला पांचवा फंदा इसको भी हमने उतार दिया।
देखिए हमारे ये पांचों फंदे आ गए इस पे। अब ऊन को आगे किया और ये दो फंदे हैं इनको हमने उल्टा बनाया, ऊन को पीछे किया। अब देखिए ये जो चार फंदे हैं इनको भी निकालेंगे और इस तरह से इनको भी, देखिए इस तरह से करके इन फंदों को भी हमने चेंज कर मोड़ दिया है। अब जिस तरह से हमने यहाँ पे ये बनाए फंदे इसी तरह से हम यहाँ पर भी उठाएंगे। देखिए यहाँ पर ये जो सबसे पहला फंदा है इसमें इस तरह सिलाई को डाला हमने और एक फंदा बनाया और दूसरी जगह भी डाला और दूसरा फंदा बनाया और तीसरे फंदे में भी डाला हमने सिलाई को और तीसरा फंदा बन गया और चौथे फंदे में भी डाला। इस तरह से हमारी चार फंदे और ये पांचवा फंदा भी बन गया। देखिए और ये पहला फंदा इन पर से उतार दिया और दूसरा वाला इसको भी उतार दिया और तीसरे वाले फंदे को भी हमने उतार दिया और चौथे को भी और पांचवे को भी। देखिए हमारे ये छह सिलाई कंप्लीट हो गई है। देखिए फ्रेंड्स हमारी छह सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। इन्हीं सिलाइयों को आपको रिपीट करना है। देखिए जब हम उल्टी सिलाई बनाएंगे तो जिस तरह से हमने ये पहली सिलाई बनाई थी, देखिए जो पहली सिलाई बनाई थी उसको बना के दिखा देते। अब डिजाइन किस तरह से आगे बनाना है, देखिए ये साइड के दो फंदे इनको हमें सीधा बनाना है। ये छह सिलाइयाँ इनको आपको रिपीट करना है। उसके बाद में यहाँ तक डिजाइन पढ़ने के बाद में ये पहली सिलाई आपके पैटर्न की वो इस तरह से बनेगी। देखिए दो फंदे सीधे और चार उल्टे। अब देखिए ऊन को इस तरह से किया। अब देखिए यहाँ पे एक दो और तीन और चार फंदे यहाँ पे ये हमने सीधे बना दिए। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो फंदा दिख रहा है सीधा, इसको हम उल्टा बनाएंगे और देखिए ये चार फंदे थे इनको भी उल्टा बना लेंगे। दो तीन चार ये हो गए हमारे और एक ये। देखिए तो अब हमारे यहाँ पे ये छह फंदे हो गए उल्टे, एक दो तीन चार, ये चार फंदे सीधे हो गए। अब यहाँ पे चार फंदे और उल्टे, दो तीन चार, देखिए दो फंदे सीधे। तो ये हमारे पैटर्न की जो पहली सिलाई है वो होगी। यहाँ से यहाँ तक आपने छह सिलाइयाँ देखी, छह सिलाई का ये पैटर्न है। तो आप इन छह सिलाइयों को बार बार रिपीट करिए तो आपका डिज़ाइन बहुत ही प्यारा दिखेगा। देखिए फ्रेंड्स छह सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद में आपका जो डिज़ाइन है वो देखिए इस तरह से बन के आएगा। देखिए बहुत ही प्यारा सा दिख रहा है ये। देखिए फ्रेंड्स मेरा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।